अल्लाहमे स्टूडेंट्स आज हम देखने जा रहे हैं कि आप फैबल्स को एज अ टीचर क्लासरूम में क्या कर सकते हैं उनके साथ और कैसे लेके जा सकते हैं और बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं सो so, टीचर्स के लिए बहुत ही कॉमन सा डायलॉग है जो वो बच्चों से सुनते हैं मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा पढ़ने का मैं नहीं रीड आउट करूँगा ये नहीं लिखना आता मैं नहीं लिख सकता तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हमें एक चीज़ को एक्नोलेज करने की ज़रूरत है कि रीडिंग राइटिंग बुनियादी तौर पर मैंटल एक्टिविटीज़ हैं इसके अंदर आप जब एक टेक्स्ट को पढ़ते हैं या आप लिखने लगते हैं तो आपको ग्रामर के रूल्स का पता होना चाहिए ताकि आप उस टेक्स्ट को समझ सकें आप उसको डिकोड करते हैं विद द हेल्प ऑफ वैकेबलरी कि आपको पता हो कि इन अल्फाज के क्या मायने हैं आपको स्पेलिंग्स का पता हो सो so, ये एक्चुअली बुनियादी तौर पर दिमाग को थका देने वाली और एक्चुअली इंगेजिंग एक्टिविटीज़ होती हैं तय एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट हो सकता है जहाँ से हम बच्चों को रीडिंग की तरफ भी ला सकते हैं राइटिंग की तरफ भी ला सकते हैं क्यों क्योंकि ये छोटी होती हैं तो बच्चे इसको देख के डरते नहीं है और उसको डिकोड करना आसान हो जाता है इन द सेम वे फेबस अगर लिखनी पड़े तो अगेन छोटी होती हैं, मोस्टली सिर्फ एक पैराग्राफ होता है फैब्स का या दो पैराग्राफ्स होते हैं और बच्चे इसको आसानी से लिख सकते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामर को आसानी से मैनेज कर सकते हैं सो so, बच्चों को इस जनवरा के अंदर बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता और जब वो एक कहानी पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट होता है बच्चे बहुत ही आसानी से रिटेन कर लेते हैं बहुत अहम फैक्टर क्या है क्योंकि वो एक छोटी कहानी है उसे पढ़ना आसान है उसे लिखना आसान है उसे याद करना आसान है जब टेक्स्ट छोटा होता है तो बच्चे जो उस कहानी के जितने एलिमेंट्स होते हैं उन सबको जानते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं कि उस कहानी का प्लॉट क्या है उसकी सेटिंग क्या है उसका थीम क्या है सो so, बच्चे बहुत ही आसानी से समराइज कर सकते हैं उन तमाम करेक्टर्स को आ, जो कि उस कहानी के अंदर मौजूद है उनके ट्रेट्स क्या हैं और उसका थीम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि कहानी छोटी हो सकती है आ, उस करेक्टर्स के नामों के साथ साथ बच्चों को ये भी पता चल जाता है कि इसका लेसन क्या है इसका मोरल क्या है क्योंकि थीम बहुत ही सामने आपको नजर आ जाता है इट्स जस्ट वन और टू पैराग्राफ स्टोरीज बहुत से रिलेक्टेंट राइटर जो हैं वो अपनी पेंसिल पकड़ लेते हैं जब आप उन्हें कहते हैं कि लेट्स राइट डाउन अ फेबल इसके लिए सबसे पहली चीज़ टीचर को ये करनी पड़ती है कि उसको प्लानिंग करनी पड़ती है और थोड़ी सी ड्राफ्टिंग और स्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है बच्चों को देने के लिए ताकि वो अपनी फेबल्स जो हैं वो खुद लिख सकें आ, इसके अंदर टीचर क्या कर सकते हैं आ, वो कार्ड्स बना सकते हैं कार्ड्स के अंदर वो डिफरेंट किस्म के करेक्टर्स के नाम लिख सकते हैं सेटिंग बता सकते हैं कि ऐसी ऐसी सेटिंग में ये करेक्टर्स चल सकते हैं प्रॉब्लम और मॉरल भी डिफाइन कर सकते हैं कि हम जो आज कहानी लिखने जा रहे हैं वो इस मॉरल थीम के ऊपर है इससे बच्चों को थोड़ी गाइडेंस और स्ट्रक्चर मिलता है और वो एक दो पैराग्राफ की कहानी उस सीक्वेंस में लिख सकते हैं आ, इसके अलावा टीचर्स जो हैं बच्चों के लिए प्लानिंग पेजेस लेके आ सकते हैं ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स ला सकते हैं जिसके अंदर बच्चे अपनी जो कहानी लिखने जा रहे हैं उसकी समरी लिख सकते हैं आउटलाइन लिख सकते हैं आ, उसके थ्रू बच्चों के लिए आसानी हो जाती है कि वो हर आ, उनका स्टार्टिंग क्या है उनका मिडल क्या है उनका फाइनल एंडिंग क्या है उसका प्रॉपरली लिख सकें और उनका फोकस रिटेन रहे इधर उधर की इंफॉर्मेशन उसमें ना लिखें जब बच्चे ये कहानियाँ लिख लेते हैं तो लिखने के बाद आपकी एडिटिंग की स्टेज आती है यहाँ पे टीचर्स बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग काम जो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं वो हाई क्वालिटी वर्ड्स हैं कि बच्चों ने जो अल्फाज चुने हैं क्या उनका कोई सब्सिट्यूट कोई बहुत अच्छे अल्फाज मौजूद हैं तो बच्चे उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं आ, उनको पोस्टर्स दे सकते हैं जिसके अंदर वैरायटी ऑफ वर्ड चॉइस जो है अवेलेबल हो और वो ट्रांजिशनल वर्ड्स हों जिसके थ्रू बच्चों की विकैबलरी जो है वो इन्हांस हो सकती है आ, बच्चों के लिए एक चेक लिस्ट मौजूद कर सकते हैं हम बना सकते हैं जिसके थ्रू बच्चे देख सकते हैं कि एक साबस के अंदर ये ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए क्या हमने वो तमाम चीज़ें पूरी कर दें तो उसके बाद उनकी एडिटिंग पूरी हो जाती है बच्चे जब अपनी कहानियाँ लिख लेते हैं आ अपना फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लेते हैं तो उनको बहुत ही मजा आता है अगर आपने उनको कलरफुल और अमेजिंग पेजेस दियो तो वो उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से अपनी फेबर्स लिखते भी हैं वो सेलिस्ट्रेट भी करते हैं और उसको ज़्यादा इंजॉय करते हैं जब आप उसको डिस्प्ले कर दें और वो एक दूसरे का काम देखते हैं फावर्स के सबसे जो इंपॉर्टेंट फ़ायदा होता है वो ये होता है कि इसके अंदर बहुत आसानी से क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो हैं वो डिवेलप हो सकती हैं स्पेशली क्योंकि हमारे पास मोरल्स मौजूद हैं Uh, एक कहानी की एग्जाम्पल दी गई है जिसके अंदर इस कहानी को हम उर्दू में कहते हैं चूटी और टिड्डा और इसके एंड में एक मॉल चीज़ ये है कि कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ एरोगेंस क्या है और बेनिफिट ऑफ परसवेरेंस क्या है मेहनत करने के फ़ायद क्या हैं और जो तमाम कहानियों को पढ़ने से फ़ायदा होता है वही फैबस को पढ़ने से फ़ायदा होता है कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स और विकैबलरी डिवेलप होती है कहानी क्योंकि छोटी होती है इसलिए उसके एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना आसान होता है और उस कहानी को समझना उसकी समरी बनाना उसका थीम निकालना उसके प्लॉट को जाना करैक्टर्स को जाना इट्स वेरी वेरी सिंपल और फ़ाबल्स के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स और विकैब्रेरी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चे जब उसे पढ़ते हैं तो उनको सीखते हैं आ, उनके माने जानते हैं उनको अपनी आम जबान के अंदर इस्तेमाल करते हैं दैट्स हाउ फादर्स को हम क्लासरूम इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों की लैंग्वेज स्किल्स में आ, उनको हेल्प आउट कर सकते हैं